नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट के क्षेत्र का जाना पहचाना नाम अविनाश ग्रुप आपके लिए लेकर आए हैं कम कीमतों में सर्व सुविधा युक्त आपके सपनों का घर। अविनाश ग्रुप के नए प्रोजेक्ट कैपिटल होम्स 2 में सभी मॉडर्न फैसिलिटीज हैं जो आप अपने घर में या आसपास देखना चाहते हैं। कैपिटल होम्स 2 की अगर हम बात करें तो उसकी खासियत है इसकी बेहतरीन लोकेशन। ये प्रोजेक्ट अंबुजा मॉल के पीछे है। यहाँ से सभी जरूरी सुविधाएं 5 किलोमीटर के भीतर ही मिल जाती हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, मार्केट हो, स्कूल कॉलेज हो या फिर कैपिटल। होम्स में अगर हम बात करें गार्डन, जॉगर्स ट्रैक, किड्स प्ले एरिया, क्लब हाउस, मंदिर से लेकर 2400 घंटे बिजली पानी समेत तमाम सुविधाएं भी यहां पर मौजूद है। तो अगर आपको भी अफोर्डेबल प्लॉट्स, फ्लैट्स या फिर बंगले चाहिए तो आप एक बार यहां जरूर विजिट करें। इस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ अविनाश ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद सिंघानिया खुद मौजूद हैं। सिंघानिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू ज्योति जी। जब हम बात करते हैं इतनी सारी सुविधाओं की सिंघानिया जी, तो ये हम देखते हैं कि लोगों का विश्वास जब किसी प्रोजेक्ट के साथ जुड़ता है उसे कामयाबी मिलती है, तो ये सिलसिला लंबा चलता जाता है। जैसे सालों से लोग आपके साथ में जुड़े हैं तो जाहिर सी बात है कुछ खासियत आप उन्हें देते होंगे। क्या कुछ खासियत ऐसी रही, क्या कुछ लंबा अनुभव रहा आपका इस उद्योग में अगर हम बात करते हैं, तो ये विश्वास लोगों का चूंकि आप आशियाना देते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस? इससे मेन जो लोगों का विश्वास हमारे ऊपर रहा उसका मेन मुख्य कारण है कि आज पूरा बिजनेस, आज जो रियल एस्टेट का जो बिजनेस है या बिल्डर्स का बिजनेस है, लोग अपनी गाढ़ी कमाई, अपने पूरे जीवन भर की कमाई इसमें हमारे एक प्रोजेक्ट में, अपने मकान में, आशियाना में, अपने सपनों के आशियाना में लगाते हैं। तो सबसे बड़ा पहलू होता है कि वो विश्वास हम पे रखते हैं और उस विश्वास को हमें कायम रखने की जरूरत है। तो हम पिछले 19 सालों से इस फील्ड में कार्यरत हैं। हमने हमेशा यही कोशिश किया कि जो कहा है, हमने जो कमिट किया है वो डिलीवर करें और एक ट्रांसपेरेंसी से, एक पारदर्शिता बरतते हुए पूरे प्रोसेस को। रियल एस्टेट के प्रोसेस में आप अक्सर देखेंगे लोग देखते हैं कि कुछ पेपर में गड़बड़ हो गई या कुछ मौके में गड़बड़ हो गई या आपने वो क्वालिटी जो बोला था वो नहीं बनाया, स्पेसिफिकेशन दिया था आपने वो नहीं पूरा किया, एग्रीमेंट में जो कंडीशंस थी उसको पूरा नहीं किया या मकान आपने बनाने में डिले किया। तो हमने पूरा कोशिश की अविनाश ग्रुप ने शुरू से कि एक पारदर्शिता के साथ में, विश्वास के साथ में, एक इनोवेशन और क्वालिटी को मेंटेन करते हुए हम अपने प्रोजेक्ट्स लाएं और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो लोगों के पॉकेट फ्रेंडली हो। तमाम जो बातें आपने कही आनंद जी, मैं समझती हूँ कि उन सभी चीजों को आपने फुलफिल किया है, इसीलिए लोगों का विश्वास आपके प्रोजेक्ट के साथ में जुड़ा रहा है। अब अगर हम बात करते हैं आपका ये जो टैग है खुशियों की बरसात, अब सब कुछ सबके लिए, तो मैं समझती हूँ सब कुछ सबके लिए इसका मतलब है कि लोगों की जो सोच होती है, कई बार उन्हें ये लगता है कि अगर हमारे पास जमीन हो तो हम मकान बना लें, कई बार ये लगता है कि कवर्ड कैंपस तो किसी और का हो चलेगा लेकिन मकान भी बना बनाया मिल जाए या मकान बन गया है तो डुप्लेक्स का सिस्टम में मिल जाए। तो मुझे लगता है यही जो थीम थी इसीलिए आपने शायद ये टैगलाइन दिया, क्या कहें? बिल्कुल, आपने एकदम सही पकड़ा उस बात को। जब हम बोलते हैं सब कुछ अविनाश कैपिटल होम्स 2 में, जब हम बोलते हैं खुशियों की बरसात, अब सब कुछ सबके लिए, हमने अपने एक्सपीरियंस से पिछले 2-3 सालों में देखा कि जब भी कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं तो कस्टमर एक रहता है जिसके मन में हमेशा एक ख्वाहिश रहती है, अरे यार फ्लैट है तो उसे लगता है कि नहीं शायद मुझे बंगलो मिल जाता मेरे बजट में, या बंगलो और फ्लैट है तो उसे लगता है कि नहीं मुझे तो आज पैसे मेरे पास सिर्फ प्लॉट के लिए है, फिर धीरे धीरे मैं ग्राउंड फ्लोर बना लूंगा, फर्स्ट फ्लोर बना लूंगा। तो इस समझ को रखते हुए हमने पहली बार ये कोशिश की कि तीनों चीज, यहाँ प्लॉट भी उपलब्ध हो, बंगलो भी हो और अपार्टमेंट्स हो जो सेफ एंड सिक्योर है और अफोर्डेबल है, तीनों चीज हम एक ही प्रोजेक्ट पर लेके आए और सर्व सुविधा युक्त लेके आए। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और आज लॉन्च के पहले ही लगभग 250 प्लॉट हमारे इसमें बुक हो चुके हैं और अपार्टमेंट्स में 70-80 करीबन अपार्टमेंट्स बुक हो गए हैं और बंगलो और विला की पूछपरख जारी है। तो मुझे लगता है कि लोगों ने इस बात को बहुत बखूबी, इस चीज को रियलाइज किया कि सब कुछ सबके लिए, वो उन्हें अट्रैक्ट किया और वो आने को मजबूर हुए साइट पे और उन्होंने पूरे प्लान्स देखा, एलिवेशन देखा। लॉन्च के पहले ही ये इतना अच्छा प्रतिसाद मुझे मिला है, तो हमें मिला अविनाश ग्रुप को, मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशी हुई कि लोगों ने हमारी जो सोच थी, लोगों की सोच के अनुरूप उन्हें जो चीजें प्रोडक्ट मिल गया। बिल्कुल। यहाँ पर दूसरी एक अहम बात जो आनंद जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सुविधाओं की बात जैसे कि आपने कही है, कई बार ये देखा जाता है कि जो प्रोजेक्ट आता है, जो कवर्ड कैंपस है, तमाम
सुविधाएं हैं वो तो लोगों को मिलती है, लेकिन जो मेन जो चीज होती है वो बजट होता है। एक मध्यम वर्गी के लिए उसका बजट बहुत मायने रखता है। ऐसे में क्या उसकी जो लिमिट है उस तक आप पहुंच पाए हैं? मुझे लगता है डेफिनेटली पहुंच पाए, क्योंकि आज देखिए जो आदमी जिसकी सैलरी ईयरली इनकम 6 लाख रुपए है, वो मुझे लगता है कि 8 से 10 लाख रुपए के एक स्टार्टिंग प्राइस से टिकट प्राइस से वो स्टार्ट कर सकता है। तो हमने वही कोशिश की है कि यहाँ अपार्टमेंट 10 लाख रुपए की रेंज में मिल जाए, प्लॉट 8 से 10 लाख की रेंज में मिल जाए, और बंगलो डेफिनेटली बंगलो थोड़ा एक्सपेंसिव होते हैं और वो बजट उसके ज्यादा होता है, बट ये दोनों सेगमेंट एक आशियाने के सपनों को पूरा करता है। वो भी एक ऐसी जगह जहां पे हमें एक ऐसा क्लब, ऐसी एमिनिटीज मिले जो किसी अच्छे प्रोजेक्ट से, जो हम मानते हैं कि महंगे प्रोजेक्ट हैं, उससे कोई कमी नहीं की गई है। और दूसरा, प्लॉट में एक ऑप्शन रहता है कि आप इंक्रीमेंटल हाउसिंग कर सकते हैं। आप अभी शुरू में प्लॉट खरीद के प्लॉट में अपने फंड इन्वेस्ट कर लिए, 2-3 साल बाद कुछ फिर इनकम आपकी बड़ी, आपने ग्राउंड फ्लोर बना लिया, फिर आप 2-4-5 साल बाद इनकम बड़ी, आपने फर्स्ट फ्लोर बना लिया। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन रहता है। और अपार्टमेंट्स में जब 10 लाख से अपार्टमेंट अपना आशियाना मिलता है और ऐसे लोकेशन में ऐसी प्रोजेक्ट पे, तो मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली लोगों का सपना इस पे जरूर पूरा होगा। बिल्कुल, अपार्टमेंट की जब हम बात करते हैं आनंद जी, क्योंकि अब ये जो कल्चर है काफी तेजी से हम देख रहे हैं राजधानी रायपुर में डेवलप होता जा रहा है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी ज्यादा अच्छा है कि आप सेफली अपने बच्चों को वहां पर रख सकते हैं। अपार्टमेंट की कीमत क्या है और जो कंस्ट्रक्शन एरिया होगा वो क्या है, उसमें क्या खास सुविधाएं हैं? अपार्टमेंट हमारा लगभग 600 स्क्वायर फुट से स्टार्ट हो रहा है, जो अभी हम शुरुआती लॉन्च प्राइस इसका 10 लाख रुपए रखे हैं। रियल एस्टेट में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है, लोग हमेशा अक्सर मुझसे, काफी लोग मिलते हैं और उनका कहना रहता है कि माननीय तो हमारी सीमा से बाहर होता जा रहा है या हम नहीं ले पा रहे हैं। तो लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए, रियल एस्टेट में ऑलवेज टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा प्रोडक्ट अच्छी लोकेशन में अच्छे प्राइस में अगर आपको चाहिए तो आप कोशिश करें कि प्री लॉन्च और लॉन्च स्टेज में उसे लें। तो प्री लॉन्च और लॉन्च स्टेज में इस प्राइस में आपको जो अपार्टमेंट मिल रहा है, ये डेफिनेटली आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा वृद्धि होने वाली है। मैं आपको बता दूं कि अविनाश कैपिटल होम्स 2 के जस्ट पहले हमने कैपिटल होम्स फर्स्ट जो फेज 1 था उसे अभी कंप्लीट किया लगभग, और वहां की कीमतें पिछले 4 साल में लगभग 3 से 4 गुना हो गई है प्लॉट्स की कीमत। तो ये एक डेवलपमेंट समझने की बात है, अगर हम राइट टाइम पे कोई प्रोडक्ट लेते हैं खासकर ऐसी लोकेशन में, तो ये ऐसे प्राइसेस हैं यहाँ पे 2 से 3 साल में अच्छी वृद्धि होने वाली प्राइसेस में। तो अपार्टमेंट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आशियाने के लिए, 10 से 25 लाख की रेंज में, जैसा कि आपने पूछा कि क्या रेंज में है, तो 10 लाख से लेकर 25 लाख तक एक 1 BHK से 3 BHK के अपार्टमेंट्स यहाँ अवेलेबल है, और बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन, अच्छी क्वालिटी, जिसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, ग्राउंड फ्लोर में पार्किंग, और ओनली 30% ग्राउंड कवरेज है, और सभी फ्लैट्स बहुत अच्छे वेंटिलेटेड है, बालकनीज है सभी फ्लैट्स में, ये दिल्ली के आर्किटेक्ट हैं, उनसे हमने डिजाइन कराया है, तो उसका आर्किटेक्चर भी बेहतरीन है। तो क्या पोजीशन के लिए सारे फ्लैट्स रेडी हैं या? ये अभी हमने लॉन्च किया है, अभी बुकिंग्स जैसी लॉन्च हमारी 17-18 तारीख को शनिवार इतवार को है, इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे और आने वाले 2.5 से 3 साल में कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट होगा। तो बिल्कुल विजिट और जो ब्रोशर्स होते हैं आनंद जी, उसके जरिए क्या जाना जा सकता है कि किस तरीके का आशियाना उन्हें मिलेगा, किस तरीके का उसमें मटेरियल यूज होगा, किस तरीके के दरवाजे और खिड़कियां उसमें लगेंगी? क्योंकि किसी भी घर के लिए उसकी जो बुनियादी जरूरत है, उसका जो ढांचा है वो कितना मजबूत है, ये भी लोगों को प्रभावित करता है। इससे जुड़ी जानकारी भी मैं आपसे लूंगी। रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। हमारा शरीर है 70% पानी और इस शरीर को चाहिए मिनरल्स, इसीलिए सिर्फ एक्वागार्ड, जिसकी एडवांस्ड मिनरल गार्ड टेक्नोलॉजी पानी के नेचुरल मिनरल्स बचाए, पानी को शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद बनाए। एक्वागार्ड, शुद्ध से ज्यादा सेहत का वादा। छत्तीसगढ़ के नंबर 1 रियल एस्टेट कंपनी सिंघानिया बिल्डकॉन का 23वें वर्ष में प्रवेश, सालों के विश्वास और साथ के लिए आप सभी का आभार। सिंघानिया बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, 23 वर्षों का विश्वास। मुबारक हो सेठ जी, आखिर चौधराइन आई गई कर्जा मांगने। आओ आओ चौधराइन। राम राम सेठ जी। सुना है बिटिया की शादी तय हो गई है? हाँ सेठ जी, बहुत अच्छा घर आना है। कुछ रुपए पैसों की मदद हो तो? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने इसके लिए ग्रामीण डाक जीवन बीमा पहले से ही करा रखा है, फिर भी जरूरत हुई तो दूसरी पॉलिसी पे लोन ले लूंगी। मैं तो बस ये न्योता देने आई हूँ। ग्रामीण डाक जीवन बीमा, ताकि आपकी शान हमेशा बनी रहे। जनजन के प्रिय लाडले रोलवी विधायक माननीय दोखर साहू को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विधिक समाज समिति प्रबंधक व समस्त सहकार
सहकारी बैंक शाखा मोरबी। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। एक चक्कर विधानसभा रोड का मौका है भाग्यवान बनने का। बुक करें किस्मत वाला प्लॉट और पाएं 1 kg गोल्ड प्लॉट्स, कार्स और ढेरों इनाम जीतने का मौका। सुमित लैंडस्केप फेज 2, अ प्रोजेक्ट बाय सुमित इंट्राकॉन। वेस्ट रायपुर फर्स्ट एंड फ्लोर बिल्डिंग, हर्षद लैंडमार्क, 1, 2 and 3 BHK अफोर्डेबल फ्लैट्स विद क्लब हाउस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एंड मेनी मोर। फॉर बुकिंग कॉल 9827321321। हर्षद लैंडमार्क, अ प्रोजेक्ट बाय सिंघानिया बिल्ड कॉम। 20 वर्षों का विश्वास कोणार्क गोल्ड चाय, बेहतरीन चाय जोश जगाए। पत्रिका प्रेजेंट्स पान बहा डांडिया महोत्सव 2015, तैयार हो जाइए झूमने और डांडिया खनकाने को। 16 से 18 अक्टूबर दशहरा मैदान, विट्टन मार्केट, भोपाल। पासेस उपलब्ध आपके नजदीकी पत्रिका कार्यालय में। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में। आनंद जी, जब हम बात करते हैं फ्लैट की, अगर हमें घर के अंदर सारी सुविधाएं मिल गई तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब ये सुविधा हमें ऐसी जगह पर मिलती है जहां से आप चार कदम पर निकलकर आपको अप्रोच हो जाता है मेन सड़क से, स्कूल आपके पास में है, हॉस्पिटल की भी जरूरत अगर आपको है तो वो भी नजदीक में रहे, तो ये जो अप्रोच या जो एरिया होता है, जो लोकेशन होता है किसी भी घर का या प्रोजेक्ट का, ये बहुत मायने रखता है किसी भी प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए। ये किस तरीके का है, क्या कुछ इसमें सुविधाएं? निश्चित रूप से आपने एकदम वैलिड पॉइंट कहा, क्योंकि आजकल लोग बहुत दूर शहर से जाना नहीं चाहते हैं और डेफिनेटली जुड़े हुए विकास जहां पे हो चुका है या जहां विकास पूर्णता की ओर है वहां से जुड़े हुए जगह लोकेशन चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा ये जो लोकेशन है बहुत ही हैपनिंग लोकेशन है, अंबुजा मॉल के पीछे है और 100 फुट की रोड से अप्रोच है, जो बलौदा बाजार मुख्य मार्ग है उससे 100 फुट की अप्रोच रोड है और एक तरीके से ये शंकर नगर का एक्सटेंशन है। आज शंकर नगर बहुत ही रेसिडेंशियल कॉलोनी के रूप में जाना जाता है और उसी का एक्सटेंशन ये दिख रहा है जो बना हुआ है और आसपास में हाउसिंग बोर्ड के लगभग 3000 मकान बने हुए हैं। हमारा कैपिटल होम फेज 1 जो था उसमें भी लगभग 400 मकान और प्लॉट्स थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। तो लोकेशन इतनी डेवलप्ड है, ऑलरेडी विकसित है कि लोगों को ये कभी भी नहीं लगेगा कि हम बहुत दूर जा रहे हैं शहर से, और शंकर नगर से लगे होने के कारण इसका एक वो अट्रैक्शन है। देन एक सबसे बड़ी एक सोच रहती है, लोग सोचते हैं कि जहां हमारा घर हो वहां से आसपास में उनका बच्चों का स्कूल या कॉलेज हो, ताकि बहुत दूर उनको ट्रेवल नहीं करना पड़े, जाना नहीं पड़े। तो दिस इज इन द मोस्ट हैपनिंग एजुकेशन हब ऑफ द सिटी। रायपुर के जो मैक्सिमम स्कूल और कॉलेजेस हैं वो यहाँ से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। देन इंडस्ट्रियल एरिया भी सड्डू उर्कुरा रोड से जुड़ा हुआ है, पूरा विधानसभा होने के कारण इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत पूरा पहले से डेवलप्ड है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से आधा किलोमीटर की दूरी भी नहीं है जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, और ये एरिया ऐसा है आनंद जी की तेजी से डेवलप भी हो रहा है। डेफिनेटली। और जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट की, तो इसके पहले ही अगर वहां पर कोई एक प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक चल रहा है या पूर्ण हो चुका है, तो उससे जुड़ा जो दूसरा प्रोजेक्ट जब कभी भी आता है तो लोगों को उसमें यकीन हो जाता है, विश्वास होता है और उसका जो मिलने लगता है आपको प्रतिसाद जो मार्केट में, वो जो होता है बहुत जरूरी होता है। आपको नहीं लगता कि इस तरीके के जब दूसरे प्रोजेक्ट पे आप जाते हैं तो पहले प्रोजेक्ट का सफलता जो है आपको फायदा मिलता है? डेफिनेटली वही हुआ, इसीलिए मुझे बड़ी खुशी है। आपको मैंने अभी बोला भी कि लॉन्च के पहले ही हमारे लगभग 250 प्लॉट और लगभग 70 से 80 अपार्टमेंट्स हमारे बुक हो गए। उसका रीजन यही था कि लोगों ने फेज 1 की सफलता को देखा, वहां के विकास को देखा, डेवलपमेंट को देखा और उसके बाद उन्हें लगा कि ये डेवलप हुआ इससे बेहतर डेवलप फेज 2 होगा और उन्होंने बिल्कुल देरी नहीं की, राइट प्राइस में राइट प्रोडक्ट ले लिया। तो यही मैं बोलना चाहूंगा कि रियल एस्टेट में अगर आप राइट प्राइसिंग लेना चाहते हैं, राइट लोकेशन चाहते हैं, तो लॉन्च के समय और प्री लॉन्च के समय जरूर उस पर ध्यान दें और बुकिंग कराएं। बिल्कुल, समय सीमा अभी है उनके पास में,
क्योंकि अब लॉन्च हो रहा है तो मैं समझती हूँ पैसे जो है वो मैनेज किए जा सकते हैं। अगर नहीं किए जा सकते हैं तो लोन की क्या कुछ व्यवस्था है? नहीं, अभी तो हमें सिर्फ 15% बुकिंग अमाउंट ही एक लेना है टोकन के रूप में, और लगभग 80-90% फाइनेंस अभी आरबीआई ने रिसेंटली 30 लाख तक के मकानों में 90% तक का फाइनेंस की छूट ली है, तो वो एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। तो फाइनेंस ऑल मेजर बैंक्स लाइक पीएनबी हाउसिंग, स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, नेशनलाइज और नॉन नेशनलाइज बैंक्स से अप्रूव्ड है पूरा प्रोजेक्ट। सब जितनी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है, टाउन प्लानिंग, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सब अप्रूव्ड है। आप तुरंत इस पे अगर खुद का मकान प्लॉट पे बनाना चाहते हैं तो चालू कर सकते हैं, और हम खुद अपार्टमेंट्स और बंगलों का काम शीघ्र चालू करने वाले हैं, तो इसमें कहीं भी फाइनेंस में भी कोई इशू नहीं है। अब तुरंत फाइनेंस की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, और जिस दिन 17-18 को हमारी लॉन्च है उस दिन ऑन द स्पॉट भी फाइनेंस अप्रूवल होगा। तो आप केवल अपने सैलरी स्लिप और अपने पासपोर्ट साइज फोटो लेके आए, और साइट पे आप अगर आते हैं उस दिन तो उसी दिन फाइनेंस की भी अप्रूवल सुविधा उपलब्ध है। एक खास चीज जब हम आपको प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे आनंद जी, ये हमने देखा कि बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं पानी, बिजली और सड़क, ये तीनों बहुत जरूरी होती है, लेकिन ये होता है कि जब लोग वहां पर बस जाते हैं तो कचरा जो होता है एक मैं समझती हूँ बहुत बड़ी समस्या होती है, उसका भी इंतजाम खास तौर पर आपने इस प्रोजेक्ट पे किया है, इससे जुड़ी चर्चा भी हम करेंगे। रुकेंगे यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। रिश्तों को महसूस करने और संवारने के लिए डीपी ज्वेलर्स। छत्तीसगढ़ के नंबर वन रियल स्टेट कंपनी सिंघानिया बिल्ड कॉन का 23वें वर्ष में प्रवेश। सालों के विश्वास और साथ के लिए आप सभी का आभार। सिंघानिया बिल्ड कॉन प्राइवेट लिमिटेड, 23 वर्षों का विश्वास। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। हमारी सबसे बड़ी जरूरत खेतों में सिंचाई की है। गांव में सड़कें पक्की होनी चाहिए। इस बार ग्रामवासी ही अपने गांव के लिए बना रहे हैं ग्राम विकास योजना, ताकि जरूरत के मुताबिक हो गांव का विकास। और मनरेगा, सामाजिक सहायता, आवास, कौशल्य और आजीविका जैसी योजनाओं से कोई भी लाभार्थी वंचित न रहे। ग्राम सभा विकास योजना को मंजूरी देगी। तेज होंगे विकास कार्य। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में। आनंद जी, जब हम बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की तो उसमें जो क्लब है या उसकी जो सुविधाएं हैं वो लोगों के आकर्षण का केंद्र होता है। इसके अगर हम डिजाइन की बात करें क्लब की, क्या कुछ खास दे रहे हैं आप? इसका क्लब डिजाइन निश्चित रूप से बहुत ही यूनिक है। अविनाश को वैसे भी क्लब के डिजाइन में और क्लब ऑपरेशन में बहुत एक्सपर्टीज है, हमारे ऑलरेडी उपलब्ध है, बट इसकी जो डिजाइन है मुझे अपने मेरे दिल से जुड़ा हुआ है। इसका आप आर्किटेक्चर डिजाइन देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये छत्तीसगढ़ में या कहीं बाहर का डिजाइन है ये। तो ये डेफिनेटली एक अट्रैक्शन रहेगा लोगों का निश्चित रूप से। इसमें सभी एमिनिटीज हैं। 30,000 फुट के एरिया में फैला हुआ क्लब है, जिसमें बैडमिंटन कोर्ट और स्क्वाश कोर्ट एंड देन जिम और सब सुविधाएं जिस तरह की आज मॉडर्न एमिनिटीज होती हैं, बट इसका जो आर्किटेक्चर व्यू है वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई स्पेस शटल है। तो डेफिनेटली एक अट्रैक्शन रहेगा, यूनिक सेलिंग पॉइंट है। बिल्कुल, तो क्रिएटिविटी के लिए तो जाना ही जाता है अविनाश ग्रुप, जैसा कि आप बता भी रहे हैं। कचरे के लिए जब हम बात करते हैं, गार्बेज सिस्टम की आप बात करते हैं, तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका इसमें कुछ खास लेकर आ रहा है, इस पर मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगी। आपने एकदम बहुत अच्छा सवाल उठाया है। इनफैक्ट अविनाश ग्रुप अब जीरो गार्बेज कंपनी के रूप में अपने आप को प्रमोट कर रही है।
या केवल हमारी जवाबदारी नहीं, मतलब हमारी जवाबदारी मैं समझता हूँ कि हमने रिसेंटली अभी ऑलरेडी मारुति लाइफस्टाइल में एक जीरो गार्बेज सिस्टम का इंस्टॉलेशन किया है। सेम सिस्टम हम यहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट में भी इंस्टॉल करेंगे। उसकी खासियत ये रहेगी कि इसमें इस कॉलोनी के जितने लोग यहाँ पे रहने वाले हैं उनसे जो रोज का कचरा निकलता है वो पूरा कचरा हम एक ऐसे सिस्टम में डालेंगे जो सिस्टम पूरा उस कचरे को जला के राख जो मैन्योर के रूप में खाद के रूप में यूज की जा सकती है कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, गार्डन डेवलपमेंट के लिए वो होगा। तो हम एक तरीके से एक यहाँ के लोग जो कॉलोनी निवासी हैं वो प्राउड फील करेंगे कि हम ऐसे कॉलोनी में है जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जो कचरा शहर में कचरे का लोड भी बढ़ाती है, नगर निगम को कोई एक्स्ट्रा लाइबिलिटी नहीं देती है। तो मैं समझता हूँ एक तरीके से ये एक सोशल जवाबदारी है हम सबकी कि हम अपने आसपास का वातावरण न केवल अच्छा बनाएं बल्कि उसको मेंटेन भी करने की कोशिश करें। तो जीरो गार्बेज सिस्टम एक यहाँ का एक और एक यूनिक फीचर रहेगा जिससे लोग यहाँ पे कचरे की जो खत्म हो जाएगी। ये जो वर्क करेगा जब हम बात करेंगे जीरो गार्बेज सिस्टम की, आनंद जी वर्क कैसे करेगा, क्या कुछ सोसाइटी बनाएगी या कैसे कलेक्शन होगा, इसकी जो पूरी प्रक्रिया होगी वो किस तरीके से मैनेज की जाएगी? शुरू में जितने लोग वहां पे निवासरत हैं वहां पे हमारी कचरे की एजेंसी है जिसमें 4 से 5 एम्प्लॉय रहेंगे, वो एक एक घर में वो कचरा जैसे अपार्टमेंट्स के केस में नीचे में कचरा डंप हो जाएगा एक जगह से, वो कचरा लेके फिर एक डेजिग्नेटेड स्पेस है जहां पे मशीन रखी हुई है, उस मशीन में वो जो 4-5 लोगों की टीम है उस पूरे कचरा को 800 से 900 डिग्री के टेम्परेचर में इट्स लाइक अ बर्नर इंसिनेटर जिसको बोलते हैं हम, उसमें कचरा डाल दिया जाएगा बट विदाउट एनी पॉल्यूशन। ये जिसका जो धुआं भी निकलेगा ये पानी से फिल्टर होकर निकलेगा, जो धुआं निकलेगा सफेद धुआं निकलेगा। तो ये वातावरण में कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा, इसके लिए कोई इलेक्ट्रिसिटी की रनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक सोच की और एक इच्छा शक्ति की रिक्वायरमेंट है कि हम अपने कचरे को सुव्यवस्थित तरीके से इस कचरे के डब्बे में डाल पहुंचा सके। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि लोगों को जब इतना अच्छा मौका मिलेगा तो उसमें बढ़ चढ़कर लोगों की हिस्सेदारी की आदत हो ही जाती है। और दूसरा इसका एक पहलू यह भी है कि अगर इस तरीके की यूनिट आप डेवलप करते हैं तो 2 से 3 या 4 से 5 लोगों को रोजगार भी कहीं ना कहीं मिल रहा है, कोई बात ही नहीं है उसमें। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा, एक नया आप सुविधा भी लोगों को इस प्रोजेक्ट के जरिए देने जा रहे हैं और लोगों का विश्वास ऐसे ही आपके साथ में बना रहे। हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ज्योति जी। तो हमारे खास कार्यक्रम आशियाना में आज बस इतना ही, मुझे दें इजाजत, नमस्कार।